आप उसके लिए दवाई देंगे, लेकिन अब बुढ़ापा मोबाइल नंबर बनो 80-82-23 आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा यहाँ जो आज का ये हमारे ट्रस्ट दो ट्रस्ट हैं जिन्होंने ये आज यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। हम इन दोनों ट्रस्ट इंस्पायर ट्रस्ट हो या शाहीन ट्रस्ट हो, इन दोनों ट्रस्टों का हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे जो 4-5 डॉक्टर बिठाए जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मरीजों को जो यहाँ देखा और कुछ दवाइयात जो हैं इन्होंने मुफ्त दी लोगों में तकसीम की, इसके लिए हम इनका बहुत तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके CMO साहब का भी जिन्होंने और BMO साहब का भी, यहाँ के डॉक्टर फरद साहब का भी जो चेयरमैन भी हैं इस इंस्पायर ट्रस्ट के, और तौसीफ साहब जो शाहीन ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, इनका हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एक वक्त की ज़रूरत थी कि जो डोडा से डॉक्टर मंगवाए गए, जो बिलखसूस आंखों का डॉक्टर जो यहाँ पे मंगवाया गया जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी हमको, और ये पोजीशन बच्चों के डॉक्टर को यहाँ मंगवाया गया इसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और बहुत सारे पेशेंट जो है इससे मुस्तफ़ीद हो गए यहाँ पे। हमारा जो है यहाँ से खर्चा डोडा आने जाने का जो है वो बच गया। इस चीज़ के लिए मैं ज़ाती तौर मशकूर हूँ इन दोनों ट्रस्टों का, CMO साहब का और BMO साहब का, यहाँ की सिविल इंतज़ामिया का और इनके वॉलंटियर्स का, गनियातुल उलूम चैरिटेबल ट्रस्ट के जो वॉलंटियर्स थे इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पे इसको पीसफुल तरीके से करने के लिए इन्होंने जदोजहद की, इन्होंने काम किया, इस चीज़ के लिए इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो यहाँ NTPIC में मौजूद होते हैं, हर वक्त वो लोगों की खिदमत करते रहते हैं, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो मुझे लगता है कम से कम 400 से ज़ायद लोगों को आज इस ट्रस्ट से फ़ायदा हुआ। तो हमारा मकसद यही होता है कि हर एक नीडी को इसका फ़ायदा पहुँचे। इंशाल्लाह हमने ये आर्मी से इंशाल्लाह टाई अप करने की कोशिश की है कि आर्मी जो हमारे मेजर साहब हैं गंडो में, तो उनसे हमने बात की हुई है, तो उन्होंने बताया था कि आफ्टर 26 के बाद हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे जिससे 500-600 लोगों को हम फ़ायदा दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 26 के बाद जो हमने ये एक इनिशिएटिव लिया कि हम इससे पहले हम अपना ही ये महकमा सेहत की तरफ से एक इनिशिएटिव लेंगे और ये प्रोग्राम करवाएंगे, तो उन्होंने उसके बाद हम वो प्रोग्राम करेंगे। और लगभग मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा हुआ, लगभग 400 लोगों को अभी तक फ़ायदा मिला।